हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और आपका स्वागत है इस स्पेशल लेक्चर में, जिसमें हम लोग एक बहुत अमेजिंग सा टर्म पढ़ने वाले हैं, जो बहुत सी बार हमने सुना है, कभी कभी शायद थोड़ा बहुत समझा भी है, लेकिन बहुत सी बार इग्नोर किया है। द टर्म इज डिसगॉर्जमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिसगॉर्जमेंट। सर, ये वीडियो किसने देखना चाहिए, पहले हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो सीए इंटर के बच्चों ने देखना चाहिए, बिकॉज उनके लिए इसमें काफी कुछ रहेगा। सीए फाइनल के लोगों ने ये सीए इंटर में देख लेना चाहिए था। अगर नहीं भी देखा है, अगर आप सीए फाइनल में आ गए, तो आपको एक जगह पर ये वर्ड मिलता है और आप इसको डिटेल में जानने के लिए देख सकते हैं। सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है और अभी उनके लिए ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो सीए इंटर और सीए फाइनल, ये दो बच्चों ने इसे देखना चाहिए। सीए इंटर के बच्चों ने तो देखना ही देखना चाहिए। ठीक है, तो चलो अभी बेसिक में बेसिक से चालू करते हैं, प्रोनाउंसिएशन से। तो प्रोनाउंस इज कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका? डिसगॉर्जमेंट। तो अभी डिसगॉर्जमेंट जो है, ये मतलब क्या होता है? तो देखिए, हमने देखा था कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसका मतलब क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में इसका मतलब होता है अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज फोर्स टू पे बैक मनी दैट दे हैव मेड इन एन इलीगल वे। तो ये जो नोट्स आप देख रहे हो, ये नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इसको इजीली अभी डाउनलोड करके इसको साथ में मेरे पढ़ सकते हो। आप चाहो तो इसको प्रिंट करके भी रख सकते हो, बिकॉज इसमें आपके काम की ही चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया डिसगॉर्जमेंट मतलब क्या होता है, कि ऐसी सिचुएशन आ रही है इन विच पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज फोर्स टू पे बैक मनी दैट दे हैव मेड इन एन इलीगल वे। ओके, तो अगर आप इलीगल वे से कोई पैसा कमाते हो, तो आपको वो वापस देना पड़ सकता है। ओके, ठीक है। इसके बाद तो इसका मतलब चलो देखते हैं सिंपली इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपली देखो, तो यहां पे एक एग्जांपल दिया मैंने कि मिस्टर ए जो है, इसने 5,000 रुपए कमाए, मिस्टर ए ने 5,000 रुपए कमाए अपने आप को मिस्टर बी बोल के। मतलब इसको बोलते इंपर्सनेशन, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैं शाहरुख खान हूं, समझ? ऐसा ही हो रहा है यहां पे। मिस्टर ए बोल रहा है कि he has earned 5,000 by stating that he is Mr. B. Then this is an illegal income. When the law catches Mr. A, he will be asked to disgorge 5,000 rupees to the genuine person, that is Mr. B. So disgorgement means pay back what was earned illegally. ये बहुत अच्छा लगा मुझे। Disgorgement मतलब क्या है? Pay back what was earned illegally. ओके, ये कौन बोलेगा? गवर्नमेंट बोलेगी, या हो सकता है आपको कंपनीज एक्ट भी बोले। तो सर, क्या एक्चुअली कंपनीज एक्ट बोलता है डिसगॉर्जमेंट के बारे में? तो देखिए, हम कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट में ये डिसगॉर्जमेंट आपको कहां कहां देखने मिलेगा, ये भी मैंने आपके लिए होमवर्क करके निकाल के रखा हुआ है। तो देखिए, कहां कहां आपको ये टर्म डिसगॉर्जमेंट दिखती है, ये मैंने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। सेक्शन नंबर 38, 125 और 224, इसमें से बच्चों को जानना ये जरूरी है कि 38 और 125 जो है ये सीए इंटर के सिलेबस में है, और ये जो सेक्शन 224 है ये सीए फाइनल के सिलेबस में है। मैं इस वीडियो को सीए इंटर के बच्चों के लिए बहुत डिटेल बनाने वाला हूं, और सीए फाइनल के बच्चों के लिए एक ओवरव्यू, बिकॉज सीए फाइनल का भी कंसेप्ट मुझे उसके आजू बाजू के बहुत कंसेप्ट बताने पड़ेंगे, जो मैं अभी नहीं कर सकता उस वीडियो में, बिकॉज मुझे शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। तो देखते हैं सीए इंटर के बच्चों के लिए कौन से सेक्शन है। सेक्शन नंबर 68, जिसमें लिखा है पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन ऑफ और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। पर्सोनेशन मतलब आप अपने आप को किसी और का नाम बताकर आप सिक्योरिटीज लेने का ट्राई करो, ये सेक्शन नंबर 38 है। आपके सिलेबस में, आपकी बुक्स में आपको सेक्शन मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने यहां पे डिटेल में दे रखा है, आप यहां से अपने बुक में लिख सकते हो या इस नोट्स को वहां पे अटैच कर सकते हो। सेक्शन नंबर 125, ये आपको इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये आपको मिलेगा। ये सीए फाइनल के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीए इंटर के बच्चों के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद सीए फाइनल स्पेसिफिक एक और सेक्शन है, सेक्शन नंबर 224, जिसमें लिखा है एक्शंस टू बी टेकन इन पर्सन ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। तो ये एक पूरा स्टोरी जाता है कि इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट देता है, और उस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बेस पे आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो, उस एक्शन में से एक एक्शन है डिसगॉर्जमेंट। ठीक है, तो हम उसको एकदम डिटेल में नहीं देखेंगे, हम बस एक ओवरव्यू लेंगे, उसका एक रीड आउट करके लेंगे। लेकिन सीए इंटर के लिए जो 38 और 125 सेक्शन है, उसमें भी 125 मैंने अपने रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो उसका भी मैं ओवरव्यू और जो अपने काम का है आज, उतना ही हम लोग कवर करेंगे। सेक्शन नंबर 38, जैसे ही मैंने बताया कि क्लास के नोट्स में भी नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स में भी नहीं है, बट यहां पर मैं आपको उसका डिटेल देने वाला हूं। ठीक है, लेट अस सी ईच सेक्शन इन ब्रीफ। सबसे पहले है सेक्शन नंबर 38, पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। यहां पे बोला है एनी पर्सन, सबसेक्शन 1 बोलता है एनी पर्सन
who makes or abets making of an application in a fictitious name. Sir, fictitious names bole to kya? Fictitious name matlab galat aur matlab aisa uska original naam nahi, koi aur naam. For example, jaise maine aapko bataya ki main application kar raha hu, mera naam Adarsh Joshi hai, to main Adarsh Joshi ke naam se application nahi kar raha hu, main kisi aur ke naam se application karunga. Matlab mere application ko bolega application by fictitious name. Okay, to humne kya dekha abhi? हमने देखा फिक्टिशियस नेम. फिक्टिशियस नेम के लिए मैंने क्या बोला, मैं अपने नाम की बजाय मैं किसी और के नाम से एप्लीकेशन कर रहा हूं, मतलब मैंने फिक्टिशियस नेम से एप्लीकेशन किया है. ठीक है, तो पहला सेक्शन का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए बोलता है, अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो फिक्टिशियस नेम से. सर, एप्लीकेशन किधर कर रहे हो? फॉर एक्वायरिंग और सब्सक्राइबिंग फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला है कि एबीसी लिमिटेड ने अपनी इक्विटी शेयर के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू किया है और आने वाले कुछ दिनों में वो अपने इक्विटी शेयर देने वाले हैं. तो आप अपने नाम से भी कुछ कर रहे हो और कुछ फिक्टिशियस नाम से. अब आप बोले सर की जरूरत क्या, खुद के नाम पे कर लो. हो सकता है कंपनी डिसाइड किया हो कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे इतने ही शेयर्स देंगे, एक पर्टिकुलर इंसान को, इंडिविजुअल को या उसके फैमिली को हम इतने ही शेयर्स देंगे, बट देन अलग अलग नाम से वो एक्चुअल ओनर वही है. या हो सकता है मैं कोई फरार या इंसॉल्वेंट बंदा हूं या फरार इंसान हूं, अंडरग्राउंड इंसान हूं, लेकिन मैं फिर भी एप्लीकेशन कर रहा हूं फिक्टिशियस नेम. मैं खुद के नाम पे नहीं कर सकता क्योंकि मैं रेडार में आ जाऊंगा, इसलिए फिक्टिशियस नेम में कर रहा हूं. या मैं शेयर्स लेना चाहता हूं, मैं खुद के नाम पे ले सकता हूं लेकिन मुझे टैक्स पर्पसेस के लिए छुपाना है. आई डोंट वॉन्ट टू शो दिस इनकम बिकॉज लोगों को फिर कंपनी को पता चल जाएगा, मतलब गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि मेरे पास इतने पैसे है कि मैंने इतने सारे शेयर्स लिए और गवर्नमेंट मुझे सोर्स ऑफ इनकम ना पूछ ले. इस डर से मैं क्या करूंगा, मैं ये फिक्टिशियस नेम पे एप्लीकेशन करूंगा. यानी पैसा मेरा रहेगा, शेयर्स मेरे को ही मिलेंगे, बट मेरे नाम पे नहीं रहेंगे, फिक्टिशियस नाम पे रहेंगे. यानी ऐसे जो लोग अस्तित्व में नहीं है उन लोगों के नाम पे मैं लेकर रख लूंगा. ठीक है, तो समझ में आ गया आपको. इफ यू आर मेकिंग एन एप्लीकेशन इन द फिक्टिशियस नेम टू अ कंपनी फॉर एक्वायरिंग इट्स सिक्योरिटीज, तो आप यहां पर पनिशमेंट हो जाएगा आपको. दूसरा, मेक्स और अबेट्स मेकिंग ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन टू अ कंपनी इन डिफरेंट नेम्स. क्या करे आपने, मल्टीपल एप्लीकेशन के सेम कंपनी को और वो भी डिफरेंट नेम में. तो मैंने आदर्श जोशी के नाम से एप्लीकेशन कर दिया, फिर और सागर शर्मा नाम से एप्लीकेशन कर दिया, और ऐसे वैभव मिश्रा नाम से मैंने कर दिया, और संजय राउत, लाइक आई रन आउट ऑफ नेम्स एंड सरनेम्स नाउ. तो ये आप एग्जांपल ले लो, मैं ऐसे मल्टीपल नेम से, मैं ही मेरे ही बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है और मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ. एप्लीकेशन मनी देना होता है ना, मिनिमम 5%. आई होप यू रिमेंबर. तो सीए इंटर के बच्चे मेरे जो क्लास के, एटलीस्ट उन लोगों को याद रहना चाहिए, बाकी सबको भी रहना चाहिए इफ यू आर स्टूडेंट. तो ये मैंने एप्लीकेशन कर दिया, मल्टीपल एप्लीकेशन कंपनी को कर रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट नेम से, और इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ हिज नेम और सरनेम और एक्वायरिंग और सब्सक्राइबिंग फॉर सिक्योरिटीज. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आदर्श जोशी नाम से किया, एक आदर्श एस जोशी, एक जोशी आदर्श, एक जोशी एस आदर्श. ऐसा मैं कुछ भी नाम से अगर एप्लीकेशन कर रहा हूं तो भी मैं गिल्टी हो जाऊंगा इस सेक्शन में. इसके अलावा अदरवाइज induces directly or indirectly a company to allot. Induce करना मतलब किसी को induce करना मतलब आप क्या कर रहे हो उसको, मतलब आप उसको मजबूर कर रहे हो, किसी ना किसी तरह आप मजबूर कर रहे हो. If you are inducing either directly or indirectly a company to allot or register any transfer of securities to him or to any other person in a fictitious name. तो अगर आप कंपनी को मजबूर कर रहे हो कि ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी को साइन करने या अलॉट करने नए सिक्योरिटी, एक तो आपके खुद के नाम पे, किसी और पर्सन के नाम पे या किसी फिक्टिशियस नाम पे, तो भी आप गिल्टी रहोगे. अगर आप ए बी और सी में गिल्टी हो तो आपके साथ किया क्या जाएगा, आपको यहां पर लायबल कर दिया जाएगा सेक्शन नंबर 447 में, जो कि किसके लिए है, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड. आपको पता है, ये मुझे भी पता है, मैंने इसके लिए काफी वीडियोज भी डाल रखी है. तो पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, इसका मतलब जब भी आप ये तीन कांड करेंगे ए बी और सी का सेक्शन 38 में, पहला क्या किया आपने, आपने फिक्टिशियस नेम में एप्लीकेशन करवाया, दूसरा आपने बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन कराया, हो सकता है खुद के नाम पे या हो सकता है फिक्टिशियस नेम में या इन कॉम्बिनेशन खुद के नाम सरनेम को बदल बदल के आप मल्टीपल एप्लीकेशन कर रहे हो, तीसरा आपने कंपनी को मजबूर कर दिया क्या, आइदर टू अलॉट यू और इन योर नेम, मतलब आपने किसी का नाम बताया होगा तो किसी और का नाम या किसी फिक्टिशियस नेम आइदर अलॉट करना या ट्रांसफर रजिस्टर करने की आप कोशिश करवा रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो किसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये तीनों काम आपने किए तो आपको 447 में लायबल कर दिया जाएगा. ये सेक्शन नंबर 38 बोलता है, 38 का सबसेक्शन 1 बोलता है. अब सेक्शन नंबर 38 में सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, देखो
Subsection 2 बोलता है the provision of the subsection 1 shall be prominently reproduced in every prospectus issued by a company and in every form of application for securities. तो ये जो तीन पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, ये कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में हर एक इंसान को बताना चाहिए जिस जो भी प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा है, समझ रहे आप? मतलब जिसको भी प्रोस्पेक्टस मिलता है उसके प्रोस्पेक्टस के अंदर ये पूरा सेक्शन नंबर 38 सबसेक्शन 1 लिखा रहना चाहिए कि सर अगर आप फिक्टिशियस नाम में एप्लीकेशन करोगे तो आप फॉरफिटिशन में फ्रॉड में फंस जाओगे, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन करोगे अलग अलग नाम से फिक्टिशियस नाम से नाम सरनेम चेंज करके आप 447 में फंस सकते हो, अगर आप हमको मजबूर करोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ट्रांसफर रजिस्टर कराने या कोई अलॉटमेंट करवाने तो भी आप सेक्शन 447 में पकड़े जा सकते हो। ये स्टेटमेंट मैं अपने प्रोस्पेक्टस में लिख के दूंगा। कौन बोलता है? सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 38 आपको कंपलसरी बोलता है, ठीक है? प्लस एनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी अगर रहेगा या एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसमें भी आपको ये लिख के देना पड़ेगा। ओके, अब आता है अपना स्टार मार दो आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो यहां पे आता है, वेयर अ पर्सन हैज बीन कॉन्विक्टेड अंडर दिस सेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्विक्टेड अंडर दिस सेक्शन? आप पकड़े गए हो, फंस गए हो इस सेक्शन में, आपने इसको तोड़ दिया, कॉन्ट्रावेंट कर दिया, और आप कॉन्विक्टेड मतलब आपके अगेंस्ट में प्रूव हो गया है ये चीज कि आपने ये तोड़ा है। Where a person has been convicted under this section, the court may also order disgorgement of gain. Court may also order disgorgement of gain. अब आया ये disgorgement play में। तो सर ये disgorgement का कौन बोल रहा है? Court may order. If any made by and seizure and disposal of securities in possession of such person. तो कोर्ट क्या बोलेगा? भाई तूने जितने भी शेयर्स ऐसे फिक्टिशियस नेम में या मल्टीपल एप्लीकेशन करके अपने ही नाम सरनेम को फिर बदल करके जितने भी शेयर्स तूने लिए हैं वो सारे के सारे शेयर्स मैं तेरे से ले लेता हूं। ये कौन लेने का पावर है? किसके पास है? ये कोर्ट के पास। कोर्ट ने अगर ये शेयर्स छीन लिए उसके बाद ये शेयर्स बेचने का भी अधिकार है कोर्ट को। और ऐसा भी हो सकता है आपने ये अलग अलग फिक्टिशियस नाम से ले लिए और बाद में आपने कोर्ट को पता चले उससे पहले बेच भी दिया और उसका प्रॉफिट भी हो गया आपको। तो ये जो एडिशनल प्रॉफिट जो आपको हुआ है ना ये भी डिसगॉर्ज करेंगे आपसे कोर्ट। सर डिसगॉर्ज करना मतलब आपने जो इलीगल प्रॉफिट कमाया है ना ये आपको उठा के देना पड़ेगा आप कोर्ट। सर इसका मतलब अब मैं एक और बार ऊपर ले आके आपको डिसगॉर्जमेंट की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज डिक्शनरी की डेफिनेशन बताना चाहता हूं। तो डिसगॉर्जमेंट मतलब अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज फोर्स टू पे बैक। सर कोर्ट ने बोला मतलब फोर्स हो गया ना। हाँ, फोर्स टू पे बैक मनी दैट दे हैव मेड इन एन इलीगल वे। सर यहां पे उन्होंने क्या किया? इन्होंने इलीगल वे में पैसा कमाया। कैसे सर? कैसे? उन्होंने मल्टीपल नाम से या फिक्टिशियस नेम से शेयर्स लिए और उसको बेचे और उसमें प्रॉफिट कमाया। तो ये इलीगल वे से जो पैसा कमाया ये पैसा हम वापस रिपे करने बोलेंगे इस एक्ट को, टू रिपे व्हाट यू हैव अर्नड इलीगली। इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, इस पर्टिकुलर टर्म को हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं डिसगॉर्जमेंट ऑफ गेन। अब आपको ये समझ में आया होगा आई थिंक। ओके, तो अगर आप किसी भी तरह का कोई इनकम कमा चुके हो, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड हो गया या बोनस शेयर हो गया है या और या आपने सेल करके कुछ कमा लिया है, तो इस सारे जो भी गेन आपको हुए रहेंगे बोनस डिविडेंड सेलिंग का जो भी पैसा आया रहेगा ये आपसे वापस ले सकते हैं कोर्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसगॉर्जमेंट ऑफ गेन। ओके, तो सर यहां पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आप लीगली कोई चीज कमाते हो तो दैट कैन नॉट बी डिसगॉर्ज्ड। फॉर एग्जाम्पल मेरे खुद के मेरे नाम पे लीगली खरीदे हुए शेयर्स है और वो मैं बेच के कुछ कमा रहा हूं तो कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि ये भी डिसगॉर्ज कर दो। सर डिसगॉर्ज करने के लिए एक अंडरलाइंग थिंग इज दैट आई शुड हैव अर्न दैट मनी इलीगली। सो इफ आई एम अर्निंग इलीगली देन ओनली इट कैन बी डिसगॉर्ज्ड। मेरा जेन्युइन मेरा खुद का इनकम में अगर है तो वो डिसगॉर्ज नहीं हो सकता। ओके, यहां पे क्या हुआ? यहां पे जेन्युइनली नहीं कमाया खुद के मेहनत से, यहां चोरी करके कमाया तो इसलिए उसको डिसगॉर्ज होने का पावर है। पॉइंट नंबर 3 के लिए मैंने ये पूरा सेक्शन और ये पूरा नोट्स बनाया, ठीक है? तो ये ध्यान से पढ़ो। फिर पॉइंट नंबर 4 बोलता है अमाउंट रिसीव्ड थ्रू डिसगॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। आपको यही चीज इन्वेस्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भी मिलेगी। क्या बोला है यहाँ पे? जो भी अमाउंट आपको सबसेक्शन 3 में मिलता है ना, यहाँ पे आपको बोला ना कि मे सीज एंड डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज और पोजीशन ऑफ सच पर्सन, ये ऑर्डर डिसगॉर्जमेंट ऑफ गेन। तो जो भी आपने डिविडेंड कमाया होगा आप कोर्ट को दोगे, जो भी सिक्योरिटी आपके पास होगी कोर्ट को दोगे, कोर्ट वो सिक्योरिटी बेच सकता है, कोर्ट वो सिक्योरिटी डायरेक्टली इन्वेस्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में भी ट्रांसफर कर सकता है। अगर आप नीचे थोड़ा मेरे साथ चले तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर भी जी पॉइंट में वही लिखा है जो ऊपर लिखा है।
यहाँ लिखा है, अच्छा ये है क्या, ये मैं इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, अभी पूरा पढ़ेंगे। फंड में देखो क्या क्या चीजें क्रेडिट होती है, उसमें पॉइंट नंबर जी बोलता है अमाउंट रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 38, ये भी यहाँ पर क्रेडिट होता है। तो बराबर ऐसा झूठ नहीं बोल रहा, ये जो बोल रहा ना ये कि यहां पर क्रेडिटेड टू इन्वेस्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जब मैं इन्वेस्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के क्रेडिट साइड में गया तो मुझे क्लियरली दिखा कि हाँ इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के क्रेडिट में जाता है जी पॉइंट में अमाउंट रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 38। ये है वो सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 38, ये सेक्शन 38, ये सबसेक्शन 4। ओके तो डिसगॉर्जमेंट मतलब क्या है भाई, डिसगॉर्जमेंट मतलब अगर आपने इलीगली कुछ कमाया है तो आपको वापस देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इन केस ऑफ सेक्शन 38 हमने बोला है, सेक्शन 38 बोलता है अगर आप फिक्टिशियस नेम एप्लीकेशन करते हो या मल्टीपल एप्लीकेशन करते हो या आपने किसी को इंड्यूस करते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू अलॉट और टू रजिस्टर ट्रांसफर, उस केस में आप लायबल हो जाएंगे सेक्शन 447 में। उसके अलावा आपको बोला है कि किसी भी एप्लीकेशन में या प्रोस्पेक्टस में जब भी आप कभी इशू करो उसमें ये चीज आप लिख के देंगे जो हम सबसेक्शन 1 में पढ़े। इसके अलावा सबसेक्शन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन बोलता है कि अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई अनड्यू गेन ले लिया है, मिल गया है आपको या कमा लिया है, वो भी गेन आपसे कोर्ट डिसगॉर्ज कर सकता है, आपसे वापस छीन सकता है, आपसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और आपके पास जो सिक्योरिटी है जो अभी आपने गलत काम करके अपने पास लेकर आए हो, खरीद कर लाए हो, वो सिक्योरिटी भी जब्त सीज की जा सकती है बाय कोर्ट। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बोलता है कि जितना भी पैसा आपको सबसेक्शन 3 में मिला है वो पैसा एज इट इज उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इट विल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। ओके सी एंटर के बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आ गया, बहुत फास्ट में भी हो गया, ज्यादा बड़ा है नहीं। Let us say, इसी एन एग्जाम्पल फिर देखते हैं हम लोग समझते हैं क्या। तो लाइक लिमिटेड, इट्स अ पब्लिक कंपनी लाइक लिमिटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड अ प्रोस्पेक्टस फॉर इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, लाइक लिमिटेड ने क्या इश्यू किया, प्रोस्पेक्टस। मिस्टर अजय एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैज मेड सेवरल एप्लीकेशन फॉर बाइंग द इक्विटी शेयर ऑफ लाइक लिमिटेड। देखो क्या हुआ है, एक तो ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब इसके ऊपर का इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अभी भी चल रहा है, उसमें अपने पैसे इसने वहां पर इंसॉल्वेंसी में देना चाहिए अपने असाइनी के पास देने के बजाय, ये छुप छुपा के देखो क्या कांड कर रहा है, ये अलग अलग नाम से, ये अलग अलग नाम से एप्लीकेशन कर रहा है टू बाय शेयर्स ऑफ अ न्यू कंपनी विच इज लाइक लिमिटेड। ठीक है, इन सेवरल डिफरेंट फिक्टिशियस नेम, क्योंकि खुद के नाम से नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ही इज नॉट कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर वो खुद के नाम पे एप्लीकेशन करता तो उसको अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, तो उसके नाम पे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसने क्या किया, फिक्टिशियस नाम पे ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन किया, ऊपर से अलॉटमेंट वॉज मेड फॉर ऑल द एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशन किए इसने फिक्टिशियस नाम, सारों पर अलॉटमेंट हो गया था। इतना ही नहीं, मिस्टर अजय ऑल्सो रिसीव्ड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। देखो मतलब उसने फिक्टिशियस नाम पे एप्लीकेशन किया, उस पे अलॉटमेंट भी हो गया प्लस उसको डिविडेंड भी मिल गया। इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी फाउंड दैट सम ऑफ द अलॉटमेंट्स वर मेड टू फिक्टिशियस पर्संस एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी मिस्टर अजय वाज कॉट एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट। इंटरनल ऑडिटर ने अपने दिमाग लगाया, बिकॉज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके और मेरी तरह, जो आप बनने वाले और मैं बन चुका हूं, फिर भी हम जैसे कुछ होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बहुत दिमाग लगाया और मिस्टर अजय पकड़े गए, क्योंकि उनको पता चला ऑडिटर को कि बहुत फिक्टिशियस नाम में भी लोग एप्लीकेशन गए, और उसके बाद मिस्टर अजय को कोर्ट में लेकर जाए गया। नाउ कोर्ट डिसाइडेड दैट मिस्टर अजय हैज कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13। कोर्ट को क्या पता चला, मिस्टर अजय ने कॉन्ट्रावीन किया सेक्शन 38 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड ऑर्डर डिसगॉर्जमेंट ऑफ गेन एंड सीजर ऑफ ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर अजय। सर सेक्शन 38 कैसे ब्रेक किया, सेक्शन 38 बोलता है आप मल्टीपल एप्लीकेशन कर रहे हो, मतलब ए बी पॉइंट भी है मल्टीपल एप्लीकेशन और ए पॉइंट भी है फिक्टिशियस नेम में, ये दोनों पॉइंट में फंस गया, एक तो मल्टीपल एप्लीकेशन किया डिफरेंट डिफरेंट नेम से और वो भी ऑल नेम्स आर फिक्टिशियस नेम्स। ओके तो इसलिए कोर्ट ने बोल दिया भाई 38 तूने ब्रेक किया है, 38 बोलता है कि अगर आप 38 ब्रेक करते हो तो 447 में जाते हो, प्लस कोर्ट के पास ऑर्डर ऑप्शन होता है डिसगॉर्जमेंट का, कोर्ट ने वो ऑप्शन एक्सरसाइज किया और क्या किया, सारे शेयर सीज कर लिए और डिसगॉर्जमेंट को बोल दिया। अब डिसगॉर्जमेंट यानी सर जो डिविडेंड उसको मिला था ना अभी मिस्टर अजय को फिक्टिशियस नाम पे, मिस्टर अजय को वो सारा डिविडेंड अब उसने कोर्ट को पे करना है, तो यानी समझे अब उसको इनकम कमाने नहीं दिया गया वहां, इतना पावर डिसगॉर्जमेंट में। तो ये पूरा कांड करके जो उसने पैसा कमाया था वो कोर्ट ने उससे ले लिया, समझ रहे हो।
Now, such disgorged gain along with all the shares previously held by Mr. Ajay under various fictitious names were transferred to IEPF. So, बाद में कोर्ट ने बोला कि ये सारे shares ये IEPF में बेचता हूँ because अभी shares पहले पैसे दे के लिया था उसने but then fictitious name में लिया था इसलिए मैं सारे shares में जब्त करता हूँ seize कर रहा हूँ इससे disgorge करके मैं dividend भी seize करता हूँ और ये dividend और shares ये सारा का सारा मैं ये subsection 4 का सारा लेके credit कर देता हूँ IEPF में समझ गए और ये पहला एग्जांपल हमारा हो गया लाइक लिमिटेड का दूसरा एग्जांपल देखते हैं शेयर लिमिटेड का शेयर लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेयर लिमिटेड इज अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मिस्टर विकास एंड मिस्टर साहिल आर पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ शेयर लिमिटेड तो शेयर लिमिटेड इज अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विकास और साहिल ये पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है बोथ ऑफ देम ऑल्सो होल्ड 10,000 एंड 8,000 इक्विटी शेयर्स रिस्पेक्टिवली इन द कंपनी तो मतलब इन शॉर्ट मिस्टर विकास के पास 10,000 शेयर्स है और मिस्टर साहिल के पास 8,000 शेयर्स है इक्विटी शेयर्स इस कंपनी के कौन से कंपनी शेयर लिमिटेड के मिस्टर साहिल मिसयूज्ड हिज पोजीशन एंड ट्रांसफर्ड 1,000 शेयर्स बिलोंगिंग टू मिस्टर विकास इन द नेम ऑफ मिस्टर साहिल्स वाइफ ओ माय गॉड साहिल जिसके पास 8,000 शेयर थे उसने अपने चतुर दिमाग का और अपनी पोजीशन का मिसयूज करके बिना मिस्टर विकास को पता लगे उनके 10,000 शेयर्स में से 1,000 शेयर्स निकाले और अपने पत्नी के नाम पे डाल दिए मतलब साहिल के पत्नी के नाम पे ट्रांसफर कर दिए ठीक है समझ गया अभी तक का सिचुएशन ओके द कंपनी देन डिक्लेयर्ड 1:2 बोनस इशू ओके इसके बाद अब बोनस इश्यू हुआ सर 1:2 मतलब हर दो शेयर पे आपको एक बोनस शेयर मिलेगा तो आइडियली मिस्टर विकास के पास 10,000 शेयर थे तो उसको 5,000 बोनस शेयर मिलने चाहिए थे लेकिन उसको 4,500 ही मिले क्योंकि उसका 1,000 जो शेयर्स है वो इनएडवर्टेंटली साहिल ने ट्रांसफर कर दिया था अपने वाइफ को और उसके वाइफ को जिसने कुछ भी पे नहीं किया उसको अभी 1,000 शेयर्स तो पहले चोरी करके मिले ही साथ में और 500 शेयर्स भी मिल गए बोनस ठीक है तो 1,500 शेयर उसके पास हो गए एट द एंड ऑफ द ईयर मिस्टर विकास रियलाइज्ड दैट समथिंग इज रॉन्ग विद हिज शेयर होल्डिंग एंड व्हेन ही इंस्पेक्टेड द रजिस्टर ऑफ मेंबर He got to know about the inadvertent transfer of his shares to Mr. Sahil's wife. तो end of the year जब ये bonus share का calculation हुआ, तो उसको लग रहा था उसके पास 15,000 share है, पर जब उसने देखा उसको देखा कि 13,500 shares उसके पास पड़े, 13,500 कि 14,500 होंगे, देखो 9,000 plus 4,500 ना, हाँ तो कितना होता है? 13,500 तो 13,500 ही उसके पास है जबकि उसके हिसाब से 15,000 होने चाहिए मतलब 1,500 शेयर्स मिसिंग है अब ये 1,500 शेयर्स गए किधर उसको बहुत शक हुआ उसने रजिस्टर ऑफ मेंबर देखा ठीक है मिस्टर एट द एंड ऑफ ईयर मिस्टर विकास रियलाइज समथिंग इज रॉन्ग रजिस्टर ऑफ मेंबर आफ्टर इंस्पेक्टिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर ही गॉट टू नो अबाउट द इनएडवर्टेंट ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर टू मिस्टर साहिल्स वाइफ तो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर देखने के बाद उसको पता चला ओ कभी तो भी साल के स्टार्ट में या मिडल में उसके बिना साइन के उसके 1,000 शेयर किसी के नाम पे चले गए और जब उसने और इंक्वायरी की तो पता चला ये साहिल की वाइफ यानी जो डायरेक्टर ना फेलो डायरेक्टर उसके वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो गए जबकि उसको पता है उसने ऐसा कोई ट्रांसफर इनिशिएट नहीं किया था अब मिस्टर विकास ने ये मैटर को लेके चले गए कोर्ट मिस्टर विकास टुक द मैटर टू द कोर्ट ऑन हियरिंग हिज प्ली कोर्ट डिसाइडेड दैट डिसगॉर्जमेंट ऑफ शेयर्स एंड एनी फर्दर गेन देयर अपॉन मस्ट बी डन बाय मिस्टर साहिल टू मिस्टर विकास मतलब जितना भी गेन हुआ है पहले तो शेयर्स जो शेयर आपने इनएडवर्टेंटली ट्रांसफर किया 1,000 शेयर वो आप लेंगे और वापस दे देंगे विकास को दूसरा कोई गेन अगर आपको 1,000 शेयर पे हुआ है कोई डिविडेंड मिला होता या अभी इस केस में हमको क्या मिला है बोनस शेयर मिले 500 तो अभी 1,000 वो शेयर प्लस ये 500 के बोनस शेयर ये 1,500 शेयर पूरे के पूरे साहिल के वाइफ के अकाउंट से निकल के अब वापस मिस्टर विकास के अकाउंट में इसको बोलते हैं डिसगॉर्जमेंट ऑफ शेयर्स एंड गेन्स देयर अपॉन एंड देयरफॉर ऑल शेयर्स ट्रांसफर्ड बाय फ्रॉड मस्ट बी रिटर्न टू द ओरिजिनल ओनर दैट इज मिस्टर विकास एंड द बोनस शेयर्स रिसीव्ड बाय मिस्टर साहिल्स वाइफ मस्ट आल्सो बी रिटर्न टू मिस्टर विकास तो आपको आई थिंक ये लाइक लिमिटेड और शेयर लिमिटेड के दोनों क्वेश्चन आपको समझ गए दोनों क्वेश्चन में क्लियर कर समझ में आ रहा है कैसे इनएडवर्टेंटली प्रॉफिट कमाया गया और कैसे कोर्ट ने बीच में आकर डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर कर दिया और उसकी वजह से क्या हुआ जो गलत तरीके से प्रॉफिट कमाया गया था वो जिन सही लोगों को जाना चाहिए वहां सही लोगों को चला गया या इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला गया ठीक है
चलो इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सीए इंटर का ही दूसरा एक और सेक्शन, उसका नाम है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो देखो ये सेक्शन है बहुत बड़ा है, ठीक है, हम ये पूरा इन डिटेल पढ़ा चुके हैं क्लास में, मैं अभी सिर्फ रीड आउट कर रहा हूँ, सॉरी मेरे पास वक्त की कमी है। अगर आपको डिटेल में देखना है, आपको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड पूरा पढ़ना है, आप मेरे को रिक्वेस्ट कर सकते हो। मैंने जो क्लास में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड पढ़ाया है उसका अगर मुझे एडिक्वेट रिक्वेस्ट मिली तो मैं उसका क्लिप निकालकर आपको यूट्यूब पर दे दूंगा, बट अभी मैं इस वीडियो में इसमें वापस दोबारा टाइम डालना नहीं चाहता, बिकॉज अब मुझे यहाँ पे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग को समझ गया है कि यहाँ पर कहाँ से पैसा आ रहा है, चलो देखते हैं। तो इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड ये सीजी का बनाया एक फंड है जिसमें होता क्या है कि इन्वेस्टर्स के एजुकेशन और उनके प्रोटेक्शन के लिए और कुछ कामों के लिए ये फंड गवर्नमेंट सीजी ने क्रिएट करके रखा है, और इससे इन्वेस्टर्स के एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए काम कार्य किए जाते हैं और यहां से वो पैसा लिया जाता है। अभी आप इस फंड, अभी फंड है मतलब पैसे का एक ब्लॉक है 10,000 करोड़ रुपए, ये फंड है, पैसा है। अब ये फंड में पैसा लाने का कैसे और फंड से लेकर जाने का कैसे, ये हम बस देख रहे हैं, मतलब व्हाट ऑल थिंग्स आर क्रेडिटेड इनटू द फंड। व्हेनेवर यू क्रेडिट समथिंग इन द अकाउंट द बैलेंस इंक्रीजेस, व्हेनेवर यू आर डेबिटिंग समथिंग फ्रॉम द अकाउंट द बैलेंस डिक्रीजेस। इन दिस पर्टिकुलर फंड के केस में अगर आप बात करो या कोई बैंक अकाउंट के केस में आप बात करो, तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट अगर आप बैंक से निकालते हो तो उसमें एनी एवरी क्रेडिट इज व्हाट पीपल हैव डिपॉजिटेड इनटू योर अकाउंट एंड एवरी डेबिट इज ऑल द expenses or the deposit that you have made in into someone else's account. So that is the reason यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो IEPF fund है इसमें क्या-क्या amount credit होता है। तो देखो सबसे पहले इसमें बोला है CG द्वारा दिए गए grant इसमें credit होते हैं। इसके अलावा CG, SG या किसी company के दिए हुए donations, फिर unpaid dividend account, आपको अगर 124(5) याद होगा तो आपको पता होगा डिविडेंड डिक्लेयर करते ही 5 दिन के अंदर शेड्यूल बैंक में एक अलग सेपरेट अकाउंट ओपन करके रखना पड़ता है। 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आपको करना क्या होता है, उसको पे कर देना होता है। अगर आप 30 डेज में पे नहीं कर पाए तो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आपको उसको वेरी गुड अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में डालना पड़ता है। तो ये अनपेड अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में अगर 7 साल हो गए और वो डिविडेंड वैसा का वैसा पड़ा है तो 7 साल कंप्लीट होने के बाद आपको वो फंड उठाकर अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड से उठाकर कहां डालना पड़ता है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, और वो आता है पॉइंट नंबर सी में यहां पर, ठीक है। इसके बाद आपको बोला जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ सीजी की अगर कोई पैसा है, पुराने एक्ट का है ये 2019-56 का है या उसके पहले के भी एक्ट का होगा तो ओके। इसके बाद अमाउंट लाइंग इन इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अंडर 205 सी, ये भी पुराने एक्ट का है। इंटरेस्ट और अदर इनकम दैट इज इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम द फंड, इस पे अगर कुछ और कमाए तो। अब यहां आते हैं मेन, इसके लिए मैं यहां पे आया हूं, पॉइंट नंबर जी बोलता है अमाउंट रिसीव्ड बाय सेक्शन 38 सबसेक्शन 4, हमने ऊपर एग्जांपल के साथ देख लिया है वो भी यहाँ पे क्रेडिट होता है। फिर एप्लीकेशन मनी, मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिबेंचर्स या इंटरेस्ट, फिर सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अदर, ये सारी चीजें भी इसमें क्रेडिट होती है। एच से लेके जे तक के लिए इतनी चीज आपको याद रखनी है कि क्या कि वो 7 ईयर्स का मतलब 7 ईयर्स तक अगर पेंडिंग है, मतलब एप्लीकेशन मनी, मैच्योर डिपॉजिट और डिबेंचर अगर 7 ईयर्स के लिए आउटस्टैंडिंग है तब उसके बाद वो यहाँ पर ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें क्रेडिट होती है। उसी तरह सर कुछ ना कुछ चीजों में तो डेबिट भी होगा, फंड सिर्फ जमा करके तो मतलब नहीं, कहीं ना कहीं यूज भी कर रहे होंगे। तो सर हम कहाँ यूज कर रहे हैं, मैं आपको दोबारा बता दूं, मैंने ये बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे वो वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं अपलोड कर सकता हूँ, आप मुझे रिक्वेस्ट में कमेंट में बोलिए, मैं जानबूझ के फंस जा रहा हूँ, सिर्फ इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेवेंट चीजें मैं अभी कवर करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद फंड शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर, पहला है रिफंड ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम डिविडेंड या डिपॉजिट या डिबेंचर्स, ठीक है, जो हमने ऊपर लेकर आए 7 साल के बाद। 8वें साल अगर कोई आया कि भाई मेरे पैसे थे वो गलती से आईपीएफ में ट्रांसफर हो गए क्योंकि मैंने लिए नहीं, गलती से मतलब बाय लॉ आईपीएफ में ट्रांसफर हो गए क्योंकि मैं गलती से वो लेना भूल गया था, तो आप एप्लीकेशन करो आईपीएफ अथॉरिटी को और वो आपको आपका पैसा वापस दे देंगे, क्योंकि पॉइंट ए में उनको अथॉरिटी है कि फंड में से जो जेन्युइन लोग है जिनका पैसा यहाँ जमा हुआ है उनको वापस पे कर देंगे। दूसरा मेन रीजन ये फंड ओपन करने का क्या है, इन्वेस्ट का नाम क्या है फंड का, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, तो मेन काम उसका भी है प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर्स एजुकेशन अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। अब आते हैं पॉइंट नंबर सी पे, इसको स्टार कर दो, इसको लाल वैसे भी मैंने किया है, इसको पढ़ने के लिए हम आ रहे थे। बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज्ड अमाउंट अमॉन्ग एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स
for shares or debentures, shareholders, debenture holders or depositors who have suffered losses due to wrong actions by any person in accordance with the orders made by the court which has ordered disgorgement. Sir, aisa hua hai na ki aapko disgorgement karna hai. Aapko karna kya hai? Aapko disgorgement karna hai among eligible and identifiable applicants. Aise eligible and identifiable applicant aapko lagta hai ki in logo ka loss hua hai. Sir, disgorgement yani kya hota hai? Disgorgement yani kya hota hai? Aapne illegal way pe paisa kamaya. Sir, jab bhi aap illegal way mein paisa kama rahe ho, kisi na kisi ka to underlying loss ho raha hai na, tabhi to aapko gain ho raha hai. For example, पहले example में Mr. A ने बोला था कि मैं Mr. B हुआ, पैसा लेके भाग गया. इसमें loss किसका हुआ? Mr. B का. दूसरे example में हमने क्या देखा था? Like limited की example में, चलो वो तो in मतलब fake application क्या, उसमें company का नुकसान हो गया, other investors का हो सकता है. और वो third question में आपने देखा होगा like share limited में. Share limited केस में वो इसका नुकसान हो गया ना, किसका? Share limited केस में किया था ना मैंने, क्या किया था? विकास और कौन था? मिस्टर हाँ, तो मिस्टर विकास का नुकसान हो गया था. यहाँ विकास के 1500 शेयर गायब हो गए थे, 1000 शेयर प्लस उसमें मिलने वाला बोनस 500 वो भी गायब था. तो अगर समझो कि पहले ये पैसा अगर इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला गया है और बाद में उनको रियलाइज हुआ है कि यार ये मिस्टर विकास को मिलना चाहिए था, तो मिस्टर विकास को भी पेमेंट किया जा सकता है क्योंकि वो जेन्युइन बंदा है जिसको ये पैसे मिलने चाहिए थे, जिसका लॉस हुआ है बिकॉज मिस्टर साहिल ने इनएडवर्टेंटली ये पैसा कमाया. तो ऐसे भी जगह पे आप ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये फंड को आप इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को यूटिलाइज कर सकते हो. इसका ग्रेटेस्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करने जाते हो और आपको अगर पता चला किसी ने फ्रॉड करके, चीटिंग करके कोई पैसा कमाया जिस वजह से भोले भाले इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ है, उस केस में इस IEPF फंड को अथॉरिटी है कि वो अपने फंड में से पैसा निकाले और उन लोगों को दे जिन लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, और उस उन लोगों से ले जिन लोगों के वजह से नुकसान हुआ है. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिसगॉर्ज्ड अमाउंट अमंग एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स फॉर शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स और डिपॉजिटर्स हु हैव सफर्ड लॉसेस ड्यू टू रॉन्ग एक्शन बाय एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स मेड बाय द कोर्ट विच हैज ऑर्डर्ड डिसगॉर्जमेंट. तो जो कोर्ट डिसगॉर्जमेंट के लिए बोले, विकास और साहिल के केस में जो कोर्ट ने बोला कि यार साहिल ने गलत किया है, साहिल ने डिसगॉर्ज करना चाहिए, तो कोर्ट ये भी बोलता है कि डिसगॉर्ज करना है ना किसको करना है, तो आप डायरेक्टली विकास को पे करो. कोर्ट ऐसा ही बोल सकता है कि आप डिसगॉर्ज करो, हमारे पास, हम पे करेंगे मिस्टर इसको, किसको? विकास को. ऐसा हो सकता है ना, साहिल ने बोला भाई मैं सारे शेयर खा गया, उड़ा दिया, मैं बेच डाला, जो बोनस शेयर थे वो भी उड़ा दिया, मैं सब बेच के पैसे ले लिए, मैंने पैसे मैंने उड़ा दिया, मेरे पास कुछ नहीं है. तो कोर्ट को और विकास उधर रोने लग गए कि सर मेरा तो इतना बड़ा नुकसान हो गया ना, अभी मैं क्या करूं. तो कोर्ट ने बोला तू रो मत, तेरे को मैं IEPF में से डिसगॉर्ज कर देता हूं पैसा, और जब इससे मैं बराबर वसूल लूंगा साहिल से. ऐसा भी कर सकते, कोर्ट पे डिपेंड करता है कोर्ट क्या डिसाइड करेगा. यहां पर IEPF अथॉरिटी को ये पावर है डिसगॉर्जमेंट का, लेकिन कौन सा कोर्ट? वही कोर्ट जो डिसगॉर्जमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, वही बताएगा किसको पेमेंट करना है. फिर इसके अलावा रिइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस है, ये क्लास एक्शन सूट के बारे में है, और अदर पर्पसेस के लिए भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है. प्रोवाइडेड दैट एनी दैट अ पर्सन हुज अमाउंट रेफर्ड टू इन क्लॉज ए टू डी, ये ऊपर वाले की बात कर रहा है, ऑफ सबसेक्शन 2-3 की नहीं है, सबसेक्शन 2 यहाँ पे ABCD इसकी बात कर रहा है वो, ऑफ सेक्शन 205C ट्रांसफर टू IEPF After the expiry of period of 7 years, as per the provision, it shall be entitled to get refund out of the fund in respect of such claims in accordance with rules made thereunder. Even आपको डिटेल में पढ़ाया. एक और explanation दिया that disgorged amount refers to amount received to disgorgement or disposal of securities. ये भी आपको समझ में आ ही गया था अभी. और इसके नीचे के जो सारे points हैं, हमने डिटेल में कवर किए हैं किसमें, हमारे क्लास के लेक्चर्स में. आप चाहे तो पढ़ सकते हो, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट भी कर दिए. मैं आपको ले जाना चाहूंगा अभी एग्जांपल नंबर 3 में. एग्जांपल नंबर 3 बोलता है सब्सक्राइब लिमिटेड के बारे में. इट्स एन अगेन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैज एक्सेप्टेड सिक्योर्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स. क्या किया है सब्सक्राइब लिमिटेड ने, विच इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ सिक्योर्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन अ प्रीमियम लैंड प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ मुंबई. तो सब्सक्राइब लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसने अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है. और क्या डिपॉजिट सिक्योर्ड कर सकते हो? यस, डिबेंचर ट्रस्टी के नाम पे सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो, सॉरी डिपॉजिट ट्रस्टी. तो आपने क्या किया, डिपॉजिटर्स का जो ट्रस्टी है उसके नाम पे एक आपने जो यहां पे ये कर दिया, क्या
सिक्योरिटी दे दी, किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी दी, तो लैंड प्रॉपर्टी आपकी सेंटर ऑफ मुंबई में, सोचो क्या वैल्यू रहेगा, उसको आपने सिक्योरिटी देके उसके अगेंस्ट में आपने डिपॉजिट लिया मेंबर से। ड्यू टू सडन लॉकडाउन फोर्स बाय गवर्नमेंट, ओ माय गॉड, क्या आप लोग जानते हो कि क्या फोर्स हो सकता है सडन लॉकडाउन? सर अभी तो हमारी जिंदगी में वही चल रहा है, अभी हम आप भी घर पे बैठे हो, हम भी घर पे बैठे, हम लॉकडाउन में ही है। तो ये जो सडन लॉकडाउन आया ना, इसकी वजह से कंपनी को ह्यूज लॉसेस हो गए, ठीक है, इसकी वजह से कंपनी को ह्यूज लॉसेस हो गए सब्सक्राइब लिमिटेड को। द कंपनी वॉज अनेबल टू रिपे इट्स डिपॉजिटर्स। तो ये लॉकडाउन का जो लॉस है, इसकी वजह से सब्सक्राइब लिमिटेड अपने डिपॉजिटर्स को पे नहीं कर पा रहा था, ठीक है। मिस्टर विवेक, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हैड सम इन्फ्लुएंस ऑन द डिपॉजिट ट्रस्टी। विवेक जो था, ये कंपनी का डायरेक्टर है, उसका कुछ इन्फ्लुएंस था डिपॉजिट ट्रस्टी पे। ओके, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, मिस्टर विवेक इन्फ्लुएंस द डिपॉजिट ट्रस्टी एंड इंटेंडेड टू परचेज द सेड लैंड एट अ वेरी लेस प्राइस एंड प्रोमिस्ड अ कट इन अ डील टू द डिपॉजिट ट्रस्टी। अब देखो भाई, तो कैसे नालायक से लोग निकलते हैं यार, मतलब बेचारी कंपनी पहले डूब रही है, देखो कंपनी डूब रही है क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, अब कंपनी ने डिपॉजिट लेके रखे थे और उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी दी थी लैंड प्रॉपर्टी, अब वो क्या हो रहा है कि अभी वो लॉस हो रहा है तो डिपॉजिटर्स को रिपे नहीं कर पाए, तो डिपॉजिटर्स के पास क्या ऑप्शन है कि भाई ये लैंड प्रॉपर्टी बेच देंगे और अपना पैसा ले लेंगे। लेकिन अब देखो ये शाना, ये जो मिस्टर विवेक है, इसको डिपॉजिट ट्रस्टी पे इन्फ्लुएंस है, मतलब ये जो बोलेगा डिपॉजिट ट्रस्टी करता है, डिपॉजिट ट्रस्टी को इसने इन्फ्लुएंस कर दिया, इसने बोला कि देख तू इधर को बेच नहीं, अब देख तेरे पास डिपॉजिट ट्रस्टी है ना, तू तेरे पास सिक्योरिटी है, तेरे को अब सिक्योरिटी एनफोर्स करना है, अब तू क्या करेगा, अब तू ये लैंड बेचेगा और डिपॉजिटर्स को उनके पैसे दे देगा। मैं तेरे को क्या बोलता हूं, लैंड बाहर मत बेच, मैं खरीदता ना तेरे से लैंड। ये कौन बोल रहा है, मिस्टर विवेक डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बोलता है मैं तेरे से लैंड खरीदता है, लेकिन देख लैंड का वैल्यू अगर 1000 करोड़ है, मैं तेरे को 500 करोड़ ही दूंगा, बराबर, मैं 500 करोड़ ही दूंगा और 100 करोड़ मेरे तरफ से तू लेके जा। तो भी मिस्टर विवेक का कितना फायदा हो गया, इधर 400 करोड़ का फायदा हो गया, और डिपॉजिटर्स का कितना नुकसान हो गया, 400 करोड़ का नुकसान हो गया। ट्रस्टी, डिपॉजिट ट्रस्टी, जिसका कुछ फायदा नहीं होना चाहिए इस पूरे ट्रांजेक्शन में, उसका 100 करोड़ का फायदा हो गया। तो ये ऐसा पूरा ट्रांजेक्शन देख लिया इसने, तो इसने मिस्टर विवेक ने इसका मिसयूज करने का कोशिश कर लिया, ठीक है। द सेड ट्रांजेक्शन, द अच्छा नहीं रुक रुक रुको, इसके बाद हाँ कट डील हो गया। ऑल्सो मिसयूजिंग हिज पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ इन अ कंपनी, मिस्टर विवेक मिसप्लेस्ड अ डिपॉजिट रजिस्टर ऑफ द कंपनी। देखो उसने एक और गेम खेला। इतना ही नहीं, मिस्टर विवेक ने क्या किया, अपना डायरेक्टर होने का मिसयूज करते हुए जो डिपॉजिट रजिस्टर था वो मिसप्लेस कर दिया, यानी उसको घुमा दिया या उसको जला दिया, मिसप्लेस कर दिया। अब कंपनी के पास डिपॉजिटर्स का रजिस्टर नहीं है, अब उनको पता नहीं कि कौन से मेंबर ने कितना अमाउंट डिपॉजिट दिया हुआ है, कब दिया है, कितने रेट पे दिया है, कब उनको रिपे करना था, कैसे रिपे करना था, कितना उसमें से पे हो चुका था, कितना बाकी था, जो पूरा वो फाइल था, जो रजिस्टर था ना, वो रजिस्टर मिसप्लेस कर दिया। अब और अब ये इतना दोनों दो कांड किया इसने मिस्टर विवेक ने, देखो बहुत बहुत छाना है। द सेड ट्रांजेक्शन वॉज एंटर इन टू एंड डिपॉजिटर्स कुडंट रिकवर द एंटायर अमाउंट ड्यू एंड इनकर्ड लॉसेस। अभी क्या हुआ, बाद में उसने ये ट्रांजेक्शन कर लिया और वो जो जहां पर 1000 करोड़ मिलने चाहिए थे उस प्रॉपर्टी के, अब वहां पे 500 करोड़ दिया और प्रॉपर्टी ले गया। अब डिपॉजिटर्स बेचारे, जहां 1000 करोड़ मिलना था वहां पे सिर्फ 500 करोड़ है, आधा ही पैसा मिला, तो हर एक डिपॉजिटर का आधा ही पैसा उनको मिला और आधा पैसा उनका डूब गया, ठीक है, ह्यूज लॉसेस हो गए डिपॉजिटर्स को। ओके, After inquiry was placed on the said matter, the fraud came to light. Thank God. बहुत लोगों ने इंक्वायरी प्लेस की कि सर, बहुत लोगों को शक हुआ होगा ना यार, 1000 करोड़ का लैंड इतना कम 500 करोड़ में, एक तो पहले डायरेक्टर को क्यों बेचा बाहर, थर्ड पार्टी को क्यों नहीं बेचा, फिर हमारा डिपॉजिट रजिस्टर अपने आप कैसे इतना इनकन्वीनियंटली कैसे गायब हुआ, कुछ तो झोल है, दया पता लगाओ कि ये मैटर क्या है, ये दया पता लगाओ मैटर क्या है, इसमें एक्चुअली मैटर पता चल गया। क्या मैटर पता चल गया आपको, कि ये मिस्टर विवेक है जिसने अपने विवेक का यूज करके बहुत बेकार काम किए। तो फिर देखो, फिर पकड़ा गया ये, एज द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स वॉज मिसिंग विद द कंपनी, कोर्ट ऑर्डर डिसगॉर्जमेंट फ्रॉम मिस्टर विवेक एंड द ट्रस्टी एंड आस्क द सेम टू बी डिपॉजिट इन टू IFF। देखो क्या है कि अभी कोर्ट को भी नहीं मालूम कि कितने पैसे किसको मिलने चाहिए, क्योंकि डिपॉजिटर्स का जो रजिस्टर है वही घूम गया था, मिस्टर विवेक के काम थे। तो अभी के लिए कोर्ट ने क्या बोला कि मिस्टर विवेक और जो ट्रस्टी है, इन दोनों ने जितना भी गेन किया है, फॉर एग्जाम्पल ट्रस्टी को तो सीधे 100 करोड़ मिले और
इसको कितने मिले, 400 करोड़ का इसका फायदा हुआ है, तो ये 400 करोड़ ये 100 करोड़ ये एज इट इज उठा के ये आईपीएफ में अभी 500 करोड़ चले जाएंगे। 500 ही करोड़ कंपनी को कहते हैं हजार के जगह, और 500 करोड़ इनसे वसूल करके अभी कहां चले गए, आईपीएफ में। अब इसके बाद क्या हो रहा है, एंड देयर आफ्टर ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम जेन्युइन डिपॉजिटर्स द डिसगॉर्जमेंट वाज पेड टू देम आउट ऑफ आईपीएफ फंड। इसके बाद सारे डिपॉजिटर्स को बोला गया, आप अपने अपना फंड का स्टेटस प्रूफ करो, यानी आपके पास कुछ तो रिसीट रहती होगी ना, डिपॉजिट जब भी पे करते हो आपके पास रिसीट होती है, तो इंडिविजुअली आओ रिसीट दिखाओ, हमको एप्लीकेशन करो, हम आप वो 500 करोड़ आपके ही है, हम आपको ही देने वाले, आप एप्लीकेशन करो, लेके जाओ एप्लीकेशन करो। इससे क्या होगा, जेन्युइन जो डिपॉजिटर्स है जिनका जेन्युइनली लॉस हुआ था, जो उस मोमेंट पे जिनको हजार करोड़ मिलने चाहिए थे उनको 500 करोड़ मिले थे, तो उनके लिए ये 500 करोड़ इनसे वसूल करके आईपीएफ फंड में रखे हैं, अब आप एप्लीकेशन करते जाओ और अपना पैसा लेते जाओ, और अल्टीमेटली 500 करोड़ सब लोग लेकर जाएंगे, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, और सारी सब लोग खुशी, एक बोलते ना हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको ये जान के खुशी होगी कि ये सारे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स जो आप पढ़ रहे हो, लाइक लिमिटेड, शेयर लिमिटेड, सब्सक्राइब लिमिटेड, मेरे ही दिमाग की उपज है, मिस्टर विवेक भी मेरे ही दिमाग की उपज है, तो ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे को ये सब झोल चपाटे करते आते हैं, बट मैं ऐसी एग्जाम्पल बना सकता हूँ। तो ये आखिरकार एक हैप्पी एंडिंग हो गई और कंपनी को उसके 1000 करोड़ मिल गए, और ऑफकोर्स ये लोग तो जेल जाएंगे, मिस्टर विवेक और अपना ट्रस्टी, ठीक है, उसके लिए अलग अलग सेक्शन है, आपको पता है क्या क्या है, आप स्मार्ट बच्चे हो, मजा आया। ये अभी तक आपने जिन सीए इंटर के बच्चों के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, ये दो सेक्शंस, उसमें डिसगॉर्जमेंट का मतलब और उसका इंपॉर्टेंस, और मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ साथ बता दिया कैसे ये यूज किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आप लोग को मजा आया हो। अभी मैं आगे चल रहा हूँ सीए फाइनल के बच्चों के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ सीए फाइनल के बच्चों के लिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने ये सब कुछ पढ़ा है, मैं सिर्फ जो हाइलाइटेड पॉइंट है उसके ऊपर फोकस करने वाला, बाकी पे नहीं। तो सर ये स्टोरी ऐसा है कि ये सेक्शन 224 की बात करता है, एक्शन टू बी टेकन इन पर्संस ऑफ इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट, जिसका मतलब कि इंस्पेक्टर का रिपोर्ट यहाँ पे आ चुका है, किसमें, सेक्शन 223 में, और उसके बाद की चीज हो रही है। तो इफ फ्रॉम एन इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट दैट इज मेड अंडर सेक्शन 223 इट अपियर्स टू सीजी दैट एनी पर्सन इन रिलेशन टू कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या अदर पर्सन हुज अफेयर्स हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड अंडर चैप्टर दिस चैप्टर हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच इट इज क्रिमिनली लायबल। सर क्रिमिनल लायबिलिटी यानी इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन, आपकी पुरानी वीडियो हमने भी देखी है, क्या बात है, लव यू गाइस। द सीजी में प्रोसिक्यूट सच पर्सन फॉर द ऑफेंस एंड इट शॉल बी the duty of all officers and employees of the company to cooperate with the agencies, या जो भी CG और necessary assistance उनको देना पड़ता है, ये subsection 224, section 224 का subsection 1 बोलता है, ठीक है। जो लोग criminal liable है तो CG उनको prosecute करेगा, और company के जितने भी employees है उनका CG का साथ देंगे, assistance करेंगे, ये बस इतना सही है। subsection 2 बोलता है if any company or body corporate is liable to be wound up, तो CG को आप apply करो, cause बताओ और उसके petition for wind up डालो, या तो 241 में compromise arrangement करवाओ, या तो both भी करा सकते हो। पॉइंट नंबर 3 बोलता है अगर सीजी को सही लगता है कि कंपनी को डैमेजेस के लिए बोलना चाहिए, मतलब कंपनी को लगता है कि मतलब इसको लगता है कि इसके अफेयर्स इन्वेस्टिगेट करने चाहिए, मतलब ये सीजी को लग रहा है, तो वो रिकवरी ऑफ डैमेज और रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी के लिए भी इनिशिएट कर सकता है सीजी। इसके बाद सीजी शैल बी इंडेमनिफाइड ऑफ सच बाय सच कंपनी अगेंस्ट एनी कॉस्ट और एक्सपेंसिस इनकर्ड बाय इट। ओके, ये भी हो गया सबसेक्शन 3 में, इसमें कोई कॉस्ट लगी होगी ना आपको, तो रिकवरी के लिए, तो इसके लिए जो कॉस्ट लगेगी वो रिइंबर्स करेगी कंपनी। अब मेरा मैं मेन पॉइंट आ रहा हूं, पॉइंट नंबर 5, इसके पहले के पॉइंट आपने पढ़े, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेयर द रिपोर्ट मेड बाय एन इंस्पेक्टर स्टेट्स दैट फ्रॉड हैज टेकन प्लेस इन अ कंपनी एंड ड्यू टू सच फ्रॉड एनी डायरेक्टर केएमपी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन और एंटिटी has taken undue advantage or benefit whether in the form of any asset or property or cash or in any other manner, CG may file an application before tribunal for appropriate orders with regards to disgorgement of such asset, property or cash as the case may be, and also for holding such director, KMP or other officer or other person liable personally without any limitation of liability. तो जब भी रिपोर्ट देख के आपको अगर कहीं लगता है कि कोई फ्रॉड इस कंपनी में हुआ है और उस फ्रॉड की वजह से कोई डायरेक्टर, KMP, ऑफिसर ने किसी ना किसी रूप में कुछ बेनिफिट कमाया है, ठीक है, और उसके अलावा सीजी को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी या कोई कैश कुछ तो है जो उसके पोजीशन में है, जो उसकी पोजीशन में होना
नहीं चाहिए था बट फ्रॉड की वजह से उसकी पोजीशन में है, तो सीजी क्या करेगा, एक एप्लीकेशन करेगा ट्रिब्यूनल को, किस चीज के लिए, सर आप डिसगॉर्जमेंट का ऑर्डर दो। सीजी किसको बोल रहा है, ट्रिब्यूनल को, आप डिसगॉर्जमेंट का ऑर्डर दो और जो असेट प्रॉपर्टी या जो भी कैश या जो भी चीज है डायरेक्टर मैनेजर केएमपी ऑफिसर ने कमाई है वो उनसे लेके आप जिन लोगों की है उन लोगों को पहुंचा दो, ठीक है। और तो और इन लोगों को ये फ्रॉड के चक्कर में इतनी बड़ी सजा दो कि ये भूले ना कभी, तो इसके लिए आप ऐसी सजा दे दो कि इनको अनलिमिटेड लायबिलिटी कर दो, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दो, दे शुड बी पर्सनली लायबल विदाउट एनी लिमिटेशन, तो ऐसा भी वो कर सकता है सीजी ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन, ये है मेन। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अक्षय का, तो मिस्टर अक्षय इज अ डायरेक्टर ऑफ कमेंट लिमिटेड, अभी वो लाइक हो गया था, शेयर हो गया था, सब्सक्राइब हो गया था, बचा गया था कमेंट लिमिटेड, तो मैं बोला चलो ठीक है कमेंट लिमिटेड। तो मिस्टर अक्षय इज अ डायरेक्टर ऑफ कमेंट लिमिटेड, ही वाज अलॉटेड अ गेस्ट हाउस फॉर स्टे नियर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो ये ऐसा होता है ना कि डायरेक्टर्स के लिए यूजुअली गेस्ट हाउसेस बना के रखते थे, बिकॉज डायरेक्टर्स कीप ऑन मूविंग इन एंड मूविंग आउट अलॉट इनफैक्ट इन इंडिया आउट ऑफ इंडिया, या बहुत सी जगह घूमते हैं, तो हो सकता है डायरेक्टर दूसरे सिटी का और उसका रजिस्टर ऑफिस कंपनी का कहीं और, रजिस्टर ऑफिस में आना जाना चलता रहता है, तो रजिस्टर ऑफिस के पास एक स्टे करने के लिए गेस्ट हाउस दिया था कंपनी ने, किसको, डायरेक्टर को, डायरेक्टर का नाम है मिस्टर अक्षय। ओके, मिस्टर अक्षय आल्सो ओन्स अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन द सेम सोसाइटी, सो लकीली मिस्टर अक्षय का भी सेम प्रॉपर्टी में, सेम सोसाइटी में घर है, मतलब समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल सोसाइटी का नाम है एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक फ्लैट नंबर 1 जो है ये दिस बिलोंग्स टू कंपनी कमेंट लिमिटेड, कमेंट लिमिटेड ने ही पर्टिकुलर फ्लैट जो है ये फ्लैट दिया था मिस्टर अक्षय को, उसी बिल्डिंग के उसी सोसाइटी के दूसरे बिल्डिंग में एक और फ्लैट है जो मिस्टर अक्षय का पर्सनल खुद का फ्लैट है, अब समझ रहे हो, उसी सोसाइटी में दो फ्लैट हो गए, एक कंपनी से मिला एक खुद का है, अब आदमी एट अ टाइम एक ही फ्लैट पर रहेगा या दो फ्लैट पर रह लेगा, एक ही फ्लैट पर रहेगा। अब हुआ क्या, मिस्टर अक्षय गेव अवे द गेस्ट हाउस ऑन रेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी, मिस्टर अक्षय ने क्या छाना बंद किया, अपने खुद के घर में रहे और जो गेस्ट हाउस था ना जो कंपनी से मिला था, उन्होंने आइडियली उन्होंने क्या बोलना चाहिए कंपनी को, सर मेरा खुद का यहाँ पे घर है मुझे गेस्ट हाउस की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, गेस्ट हाउस भी ले लिया, घर तो है ही, गेस्ट हाउस को सबलेट कर दिया, मतलब उनको, मतलब कंपनी को लगता है कि मिस्टर अक्षय रह रहे हैं वहां पे, बट एक्चुअली फैक्ट, ग्राउंड फैक्ट ये है कि अक्षय ने उसको किसी को किराए पे चढ़ा दिया है, मतलब किसी और को दे दिया है रहने के लिए और उससे रेंट वसूल रहा है। ओके, मिस्टर अक्षय गेव अवे द गेस्ट हाउस ऑन रेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंपनी एंड यूज्ड टू हिमसेल्फ स्टे इन हिज ओन हाउस। मैटर केम टू लाइट आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड कंपनी डिमांडेड डिसगॉर्जमेंट ऑफ रेंटल इनकम फ्रॉम मिस्टर अक्षय एंड हैज अर्न ड्यूरिंग द पीरियड। तो बाद में ये बात पता चली और कंपनी ने उसको डिसगॉर्जमेंट के लिए बोला और कंपनी ने बोला कि देखो आप जितना भी रेंटल इनकम कमाए हो ना, जब से आपको ये हमने घर दिया है या जब से आपने रेंट पे दिया है तब से लेके आज तक जितना भी आपने रेंट इनकम कमाया है ये आपका इनकम नहीं है, कंपनी का इनकम है और आप ये कंपनी को वापस चुकाओ, इसको बोलता है डिसगॉर्जमेंट, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, समझ गए। एक मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए और आपको मैंने समझाने का ट्राई कर लिया, आई एम सो सॉरी कि मैं सीए फाइनल के बच्चों के लिए एकदम डिटेल में सेक्शन नहीं गया, ऐसा नहीं है कि मैं जान नहीं सकता था, ये वीडियो का पर्पस ये सेक्शन समझाना नहीं है, इस वीडियो का पर्पस डिसगॉर्जमेंट समझाना है और विद एम्पल एग्जाम्पल एंड रेफरेंसेज मैंने आपको ये बता दिया, अब आप भी जब पढ़ेंगे आपको ये चीजें इजिली समझ में आ जाएगी। तो अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि कुछ कुछ बच्चों को, आप चाहे सीए इंटर के हो, फाइनल के हो, आप फाउंडेशन के हो, सीएस सीडब्ल्यू, आप कहीं से भी आप देख रहे हो ये वीडियो, आपको कोई पर्टिकुलर टर्म सेक्शन कंसेप्ट अगर आपको कंफ्यूजिंग लगती है, आपको लगता है इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए, आपके लिए कमेंट ओपन, कमेंट बॉक्स ओपन है, किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अप्रोप्रिएट नोट्स के साथ आपके सामने वो लेकर प्रकट हो जाऊंगा, ठीक है। तो नाउ दैट वी नो वॉट डिसगॉर्जमेंट मीन्स एंड वॉट ऑल सेक्शंस आर रेफरिंग टू द टर्म, वी कैन हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइन इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड द ड्राफ्टिंग द सेम इन दैट पर्टिकुलर मैनर। बिकॉज ये तीन ही सेक्शन में क्यों वो वर्ड यूज किया डिसगॉर्जमेंट, ये भी आपको समझ में आता है जब आपको एक्चुअल डिसगॉर्जमेंट समझ में आता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपने डिसगॉर्जमेंट एक बहुत अमेजिंग सा टर्म सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आपका हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं मुझे मोटिवेट करने के लिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। शेयर करने के लिए शर्माओ मत, आप कोई देखो आज के डेट में ना लोग क्या क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब लोग घर में बैठे लॉकडाउन में पागल हो रहे हैं, कुछ भी फॉरवर्ड करते, कुछ भी, तो ये अच्छा है यार, इतना बुरा भी नहीं है, पढ़ाना पढ़ना ये बुरी बात नहीं है, तो ये शेयर कर दो ना, कोई तुम पर नो वन विल जज यू कि भाई अरे इसके पास टाइम है और ये पढ़ाई कर रहा है, नो no.
ओके तो अपने YouTube पे, Instagram पे, Facebook पे, कहीं पर भी लोगों को बताओ, आपको आपने ये वीडियो देखा, आपको पसंद है, बताओ, और मुझे भी बताओ, कैसे बताओगे, कमेंट करके बताओ, मुझे अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट पढ़ने, अभी रिसेंटली मुझे अच्छे खासे कमेंट्स आ रहे हैं, और ट्रस्ट में इसके वजह से मैं इतने वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहा हूं, मुझे अंदर से एक पॉजिटिविटी आ रहा है, तो आप लोग ऐसे कमेंट मुझ पर बरसाते रहो, मुझे पॉजिटिविटी लगते रहेगी और मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा और आपके सामने आता रहूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वंडरफुल टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप योर फैमिली सेफ, एंड God bless you all the best. See you in next one.